अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नहीं छीन सकता तुम्हें मुझसे। आज तो चाहे जितना ही नाम जप ले माता रानी का, माता रानी तेरा साथ नहीं देने वाली। तेरी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। नेगेटिव वाइब आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या करें, अब परी की किस्मत ही खराब है। तो माँ, तो उसकी रक्षा कर माँ। आज परी को कोई भी नहीं बचा सकता, ना संजू और ना ही वो इंस्पेक्टर। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परी है वो नीति से बेहद प्यार करती है। प्यार तो वो राजीव से भी करती है, लेकिन नीति जो है परी की बचपन की दोस्त है। और शायद यही कारण है कि यहाँ पर जो परी है वो नीति के साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है कि नीति की हरकतों का, नीति की नीयत का उसे अभी तक नहीं पता। परी बहुत भोली है, ये तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो नीति अमृत लाती है, ताई जी आरोप लगाती हैं कि नीति की याददाश्त गई ही नहीं है और ये परी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारना चाहती है। परी इस बात को नकार देती है, घर वालों के सामने ये साबित करती है कि नीति मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, वो भी उस अमृत को पीकर। घर वाले घबरा जाते हैं कि शायद परी को कुछ हो जाएगा, लेकिन परी कहती है मुझे देखो कुछ नहीं हुआ है। यानी कि परी उस अमृत को पीकर ये गलत साबित कर देती है कि नीति गलत है। दूसरी तरफ जो नीति है वो प्लान बना रही है अब राकेश के साथ। इस बार वो ऐसा प्लान बनाना चाहती है कि बस संजू उसका हो ही जाए। यहाँ पर गुरुजी भी घर में आ चुके हैं। गुरुजी भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, बता रही हैं गुरुजी कि भाई आने वाली है तुम्हारे घर में प्रलय और जो परी है शायद उसका खात्मा होने ही वाला है। लेकिन अगर परी को राजीव बचाएगा तो राजीव की भी जान खतरे में आ जाएगी। पहले गुरुजी परी को ये बात बताते हैं कि कुछ तो गलत होने वाला है और फिर राजीव भी परी को यही बात कहता हुआ दिखाई देता है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।